वेलकम बैक एवरीवन। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ वहां से कि जब तक इस पे ड्रॉवर की सिग्नेचर है लेकिन ड्रॉइंग की सिग्नेचर अभी नहीं है, जब तक ड्रॉवर की सिग्नेचर है लेकिन ड्रॉइंग की सिग्नेचर नहीं, इसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। जैसे ही ड्रॉइंग इसे देखा, उसने भाई ठीक एक्सेप्ट करता हूं मैं इस चीज को। जैसे उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही अब ये आपका पूरी तरह प्रॉमिसरी नोट बन गया और अब इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाता हूं इसको, लाइक हैव अ लाइक स्टोरी टाइप, आपको जरा समझ में ज्यादा आएगा। एकदम प्रोफेशनली मैं जाऊंगा तो शायद आपको क्रिटिकल हो जाए। एक कहानी की तरह जाता है कि मैं 5,000 का मैंने इसे बनाया और मैं अपने घर पे आया, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो चुका है और मैं मेरे घर पे आया। घर पे ही आते ही मैंने देखा कि भाई घर में जो है काफी लोग बैठे हुए हैं। मैंने पिताजी से चर्चा की कि भाई क्या बात है, बहुत भीड़ लगी हुई। पिताजी ने बोला भाई तुम्हारे मैरिज के लिए लोग आए हैं। मैंने बोला कि भाई मेरी मैरिज के लिए लोग आए हुए हैं, मुझे ही नहीं मालूम है, आप कम से कम मुझे बता दो देना चाहिए। पिताजी का कि बताने की जरूरत नहीं है, आपको करना ही करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं करना चाहता। पिताजी बोले भाई मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो निकल जाओ घर से। अब यदि मैं घर से निकलूंगा तो मेरे पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, भाई मेरे पास ये जो बनाया है ये, या तो मैं इसको फोल्ड करके मेरे पॉकेट में डाल लूं। भाई फोल्ड करके मैंने पॉकेट में डाल दिया। फॉर एग्जांपल अभी ये है, एग्जांपल देता हूं कि चलो ऐसे है ये रहा। मैंने इसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला मैंने इसे फोल्ड करके मेरे पॉकेट में डाल दिया, या तो मैं ये कर सकता हूँ। अब इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ चार कंडीशन होते हैं। पहला होता है या तो मैं इसे फोल्ड करके पॉकेट में डाल दूं, रिटेन्ड बिल जिसे बोलते हैं, रिटेन्ड आप अपने पास रख रहे हो। अच्छा, जब मैंने बिल को मेरे पास रखा तो 2 महीने बाद पैसे मांगने कौन जाएगा? शुभम जी सर, बिल मेरे पास है, पैसा मांगने कौन जाएगा? एग्जैक्टली, मैं जाऊंगा और कौन जाएगा? बिल मेरे पास है। लेकिन जब ऐसी बात आई, पिताजी ने बोला निकल जाओ भाई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मेरा दिमाग काम करने लगा भाई अब मैं पैसे कहां से लाऊं। तो मेरे दिमाग में आया कि बैंक जो होता है वो प्रॉमिसरी नोट्स को लेके, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके, आपको OCM में आएगा, उसे लेके कुछ पैसे आपको कुछ डिस्काउंट काट के पैसे दे देती है। तो मैंने बैंक में जाके अप्लाई करने की सोची, जिसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग क्यों भाई? बैंक को पैसे कब मिलेंगे शुभम के पास से? 2 महीने के बाद। देखिए मैं बैंक में जा रहा हूँ, मैं बैंक में आया, मैंने बैंक में बोला सर ये लीजिए ये प्रॉमिसरी नोट है जहाँ पे शुभम आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करने वाला है। बैंक ने वो प्रोसेस किया, सारे फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवाने के बाद जो हुआ अगले वीडियो में आपको